हेलो रिवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी अस्थेमेटिक ड्रग्स के बारे में कि जिसको हम कहते हैं ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा तो उसके हम बेसिक यूज़ के बारे में जानेंगे और करेंगे उसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी उसका ड्रग क्लासिफिकेशन चेक करेंगे और ये क्लास के मेडिकेशन को हम कहते हैं कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम बिकॉज ये ऐसे मेडिकेशन है कि उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे ये रेस्पायरेटरी ट्रैक पर होती है तो डिटेल में स्टडी करते हैं ये मेडिकेशन के बारे में और आज हम सीखेंगे एंटी अस्थेमेटिक ड्रग्स के बारे में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिटेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बी इन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन यूज़ करिए एप फार्मारॉक्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एप फार्मारॉक्स कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते आप एंड्रॉयड अप्लीकेशन फ्राम गूगल प्ले स्टोर अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो सबसे पहले समझिए एंटीअस्थेमेटिक ड्रग्स की डेफिनेशन के बारे में तो दीज आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा डिसीज ऑफ अ रेस्परेटरी सिस्टम कि जो हमारा मेन ये मेडिकेशन का जो यूज हम कहे व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ दिस मेडिकेशन कि जिसको हम कहते हैं एंटी अस्थेमेटिक ड्रग तो जो मेडिकल कंडीशन है ब्रोंकियल अस्थमा कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज है उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है एंड दे आर ए मेडिकेशंस कॉल ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये पॉइंट आप प्रायोरिटी बेस से अच्छे से याद रखें कि जब कोई पेशेंट अस्थमा का पेशेंट होता है दम का जो पेशेंट होता है कि जिसको दमा होता है तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो इन्हेलर्स जो है वो यूज़ करते हैं तो अस्थमा के जो पेशेंट के अंदर ये इनहेलर्स में कौन से मेडिकेशंस होते हैं वो सब हम आगे जानेंगे ये लेक्चर के अंदर सो थर्स द एंटी अस्थेमेटिक ड्रग्स आर द मेडिसिन दैट आर ट्रीट और प्रिवेंट अस्थमा अटैक जब अस्थमेटिक अटैक पेशेंट को होता है तो तुरंत वो ये अस्थमा का जो पंप होता है वो यूज करता है वो हमें पता है तो उसके अंदर कौन से मेडिसिन होते हैं कि जो अस्थमा के अटैक को ट्रीट भी करती है और साथ ही साथ उसको प्रिवेंट करवाने का काम करती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अस्थमा अस्थमा में एक्चुअल में होता क्या है अस्थमा के जिसको हम दमे की बीमारी या फिर हिंदी में दमा कहते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एयरवेज का जो पाथवे होता है वो हो जाता है नैरो अस्थमा इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच योर एयरवे नैरो स्वेल एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस तो ये देखिए कि ये जो हमारा एयरवे है तो अस्थमा के अंदर ये एयरवे जो है वो काफी हो चुका है नैरो मतलब कि उसका डायमीटर काफी कम हो जाता है उसका रीजन है कि साथ में वहां पे होती है स्वेलिंग कि जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं और वहां पे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है म्यूकस म्यूकस का भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ये कंडीशन बनती है अस्थमा जिसके कारण क्या होता है जो भी पर्सन को ये प्रॉब्लम होता है उनको सांस लेने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग डिफिकल्ट एंड ट्रिगर द कफिंग कफिंग जो खासी होती है होता है फिर विसलिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं विजिंग वैन यू ब्रेथ आउट एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको जो ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है खांसी होती है जब वो आउट करता है तब जो विसल जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये सब उसके सिम्टम्स बनते हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा इज ए मेडिकल कंडीशन विच कोस द एयरवे पाथवे ऑफ लंग्स टू स्वेल एंड नैरो कि ये वाले डायग्राम में देखिए ये वाला जो है नॉर्मल पाथवे है कि वहाँ पे प्रॉपर म्यूकस की जो लाइनिंग है वो आप देख सकते हैं कि ये है म्यूकस लाइनिंग फिर स्मूथ मसल्स की एक लाइनिंग देख सकते हैं और ये ब्लड वेसल्स जबकि ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ है कि इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग आपको यहाँ पे अंदर देखने को मिलती है जिसके कारण जो अंदर का जो डायमीटर होता है हमारे ब्रोंकाइस का वो काफी हो जाता है कम और साथ में वहां पे एक्सेस जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो यूजली जो पाथवे है एयर का कि जो लंग्स तक एयर को लेकर जाती है वो स्वेलो हो जाती है और साथ में काफ़ी नैरो हो जाती है ये है ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन एंड ड्यू टू दिस स्वेलिंग ड्यू टू दिस स्वेलिंग द एयर पाथ प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस मेकिंग गिड हार्ड टू ब्रेथ अब जो पर्सन को ये कॉम्प्लीकेशंस हो रहे हैं उनको ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी रिजल्ट इन कॉफिंग खांसी होगी ब्रेथनेस जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे शॉर्ट ब्रेथ हो जाएंगे विजिंग की जो विसल जैसा साउंड प्रोड्यूस होगा एंड द डिस इज ए क्रोनिक कैन इंटरफेयर विथ डेली वर्किंग कि आपके डेली रूटीन के ऊपर ये डिसीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अफेक्ट करते हैं तो नॉर्मल के अंदर जो है वो किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता एयरवे के पाथवे के ऊपर जब अस्थमा के अंदर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है नैरो हो जाता है तो एयरवे की लाइनिंग्स स्वलन हो जाती है रेड हो जाती है और एयर पाथवे में काफ़ी हुई होती है तो कौन से मेडिकेशंस यूज होते हैं ब्रोंकिल अस्थमा के अंदर तो ब्रोंकोडायलेटर्स यूज किए जाते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज़ किए जाते हैं मास्ट सेल स्टेबिलाईजर्स कॉर्टिकोस्टेराइड एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी वगैरह को हम यूज़ करते थे ये है हमारे पास पांच अलग अलग चॉइस ब्रॉन्कोडाइलेटर्स की ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट तीसरा मास्ट सेल फॉर्थ कॉर्टिकोस्टेर पांचवा ऑप्शन है एंटी जी एंटीबॉडीज का तो डिटेल में सीखते हैं सभी को कि ब्रोंकोडाइलेटर्स कि जिसके अंदर बीटा टू सिंपे तो माइमेटिक्स ड्रग्स जाएंगे कि जैसे साल ब्यूटामॉल तो साल ब्यूटामॉल काफ़ी फेमस है कि जिसके इन्हेलर्स मार्केट में अवेलेबल है कि इस तरह से जो भी अस्थमा का पेशेंट है वो ये इन्हेलर्स वगैरह यूज़ करता है कि जिससे क्या होगा कि ये मेडिकेशन उसके लंग्स के अंदर पहुंचती है इनहेलेशन के थ्रू और वहाँ पे ब्रोंको डायलेटर का काम करेगी कि, कि जब ये एयरवे काफ़ी नैरो हो जाता है तो उसको डायलेट करके एयरवेज को थोड़ा और उसका डायमीटर इंक्रीज करके एयरवे को जो नैरो था उसमें से ब्रॉड करने का काम करेगी कि, कि ब्रोंको डायलेटर के तौर पे काम करेगी तो उसमें सिंपे तो माइमेटिक्स है दे आर साल फिर टर्ब्यूटालिन होता ही है बेम ब्यूटेरॉल है सालमेटेरॉल है फॉर्मोटेरोल एंड एफेड्रिन तो ये पॉपुलर ऐसे मेडिकेशन से कि जो एज अ ब्रोंको के कैटेगरी में आते हैं तो ब्रोंको को और दो क्लास में डिवाइड किया जाता है एक तो बीटा टू एगोनिस्ट के अंदर लॉन्ग एक्टिंग जो है जैसे कि सालमेटेरॉल फॉर्मोटेरॉल आर आरफॉरमोटेरॉल कारमोटेरॉल ओलोडेटेरॉल इंडाक्टेरॉल तो ये हो गए लॉन्ग एक्टिंग तो जो स्टूडेंट एम रिलेटेड प्रिपेरेशंस कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट कि कौन से बीटा टू एगोनिस्ट है कि जो ब्रोंको डायलेटर के तौर पे काम करते हैं एंड दे आर लॉन्ग एक्टिंग फिर जो सेकंड है वो है शॉर्ट एक्टिंग जिसके अंदर साल ब्यूटामॉल आएगा टर ब्यूटालिन है लिवाल ब्यूटेरॉल है पेर ब्यूटेर है आइसो इथेरिन है बीटॉल टैरॉल है फैनोटैरॉल एंड टेरोल तो ज़्यादातर पीछे आप टेरोल देख सकते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस और रिविज़न के थ्रू आप ये शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दोनों एजेंट्स जो है वो याद कर पाएंगे नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर में ही जो पॉपुलर मेडिकेशन का क्लास है जो है मिथैगजेंथिन डेरिवेटिव्स की जो यूज़ होते हैं एज ए एंटी एस्थेमेटिक ड्रग और उनका भी मेन मिकेनिज्म हम देखें तो वो ब्रोंको के तौर पे काम करते हैं कि जो ब्रोंकाइस को डायलेट करने का काम करती है और उसमें सबसे पॉपुलर दैट इज थियोफाइलिन के थियोफाइलिन के सस्टेन रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होती है इवन उसका इंजेक्शन भी पेशेंट को दिया जाता है तो थियोफाइलिन के जैसे ही सिमिलर है एमिनोफाइलिन कोलाइन थियोफाइलिनेट हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन डॉक्सोफाइलिन एन थियोफाइलिन इथेनोलेट ऑफ पाइपराजिन तो ये सब ब्रोंकोडायलेटर्स यूज होते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर की जिसको हम कहते हैं एंटीअस्थमेटिक ड्रग्स ब्रोंकोलाइट डायलेटर्स में एक और क्लास है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स कि जिसके अंदर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के भी इनहेलर जो है वो अवेलेबल है कि जैसे सालब्यूटाम का आपने देखा सेम लाइक दैट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के भी अवेलेबल है फिर टायोट्रोपियम ब्रोमाइड की यहाँ पे उसका देख सकते हैं नाइन माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ का ये इनहेलर तो ये दोनों एंटीकोल इनर्जिक्स इनहेलर के फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड इट इज यूज बाय इनहेलर और नेबुलाइजर कि ब्रोंकोडायलेटर एक्शन देने के लिए ये मेडिकेशन पेशेंट किस तरह से यूज करते हैं तो एक उसके इन्हेलर के थ्रू या फिर नेबुलाइजर के थ्रू उसको यूज करते हैं एंड यूज टू ट्रीट अस्थमा क्रोनिक अटैक फिर बात आती है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की कि ऐसे मेडिएटर्स की जो रिस्पॉन्सिबल है कफिंग के लिए स्नीजिंग वगैरह के लिए एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह के लिए तो जब ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हम यूज करते तो वो सब मेडिएटर को हम स्टॉप कर करते जिससे अस्थमा के अंदर पेशेंट को काफ़ी राहत होती है तो उसमें सब टॉप पे जो मेडिकेशन है वो है मॉन्टेल्यूकास्ट है फिर जारफी ल्यूकास्ट तो ये हो गई ल्यूकोट्राइन जिसके अंदर फाइव ऑक्सीजनज इनहिबिटर के अंदर जैल्यूटन हाइपरिकम फोरेटम तो ये दोनों आप याद रखिए फाइव लिपोक्सी ऑक्सीजनिज इनहिबिटर एंड ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट तो ये जो तीन है वो आपको याद रखनी है एज ए ल्यूकोट्राइन एंड फाइव लिपोक्सीजिनेस इनहिबिटर में जेल्यूटन एंड हाइपरिकम इकम परफोरेटम तो जेल्यूटन के ये एक्सटेंडेज रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होती है मोंटेलुकास वगैरह के फिल्म कोटेड टैबलेट्स होते हैं फिर मास्ट सेल स्टेबिलाईजर्स के अंदर की जो प्रिवेंट करते हैं डीग्रेन्यूलेशन ऑफ द मास्ट सेल बाई ट्रिगर द स्टिम्यूली एंड दीज आर इंडिकेटेड ओनली फॉर प्रोफाइल एक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा तो ये पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे एंटी एस्थेमेटिक ड्रग है कि ओनली यूज फॉर प्रोफाइल एक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा तो दे आर मास्ट सेल स्टेबिलाईजर और उसके एग्जाम्पल हम देखें तो इन्हेलेशन रूट से ही उनको दिए जाते हैं और उसका फेमस एग्जाम्पल है सोडियम क्रोमो ग्लाइकेट उसके बाद कैटोटिफेन मिथाइल गथिन एंड नीडोक्रोमिल तो ये चार ऑप्शंस आपको खास याद रखने हैं कि यहाँ पे सोडियम ग्लाइकेट का आप इनहेलेशन भी देख सकते हैं कि जो सनोफिका प्रोडक्ट है नेक्स्ट है दैट इज ड्रग इनहिबिटिंग इम्यूनोग्लोबिलिन ई एक्शन तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ओमेलीजुमेब तो ये है उसकी एंटीबॉडी अगेंस्ट

ओमेलिजोमेप की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो प्रीफर किया जाता है टू द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा और ये जो है एज ए इंजेक्शन दिया जाता है सब क्यूटेनियस रूट से तो यहाँ पे भी लिखा है आप देख सकते हैं कि फॉर सब क्यूटेनियस यूज़ ओनली सिंगल यूज वायल आता है कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है वन मिलीग्राम और ये डिजाइन करता है यूजली नोवार्टिस। आर्टिस फ्रेंडियेमेटिक में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जैसे कि सिस्टेमिक के अंदर हम देखें तो हाइड्रोकार है प्रेडनीसोलॉन है तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज किए जाते हैं कि प्रेडनीसोलॉन के डिस्पर्जिबल टैबलेट हाइड्रोकॉर्टिसोन है तो उसके टैबलेट्स प्रेडनीसोलॉन वगैरह यूज किए जाते हैं फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर इनहेलेशन के अंदर बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, बुडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट एंड फ्लूनीसोलाइड और लास्ट में है सिक्लेसोनाइड तो यहाँ पे उसके कुछ मार्केटेड फार्मुलेशन आप देख सकते हैं कि जीएसके का ये सालमेटेरॉल के साथ कॉम्बिनेशन में फ्लूटिकासोन प्रोप्योनेट एक्यूहेलर कि जो इन्हेलेसन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पे यूज़ होते हैं इसी तरह से बेक्लोमिथासोन का भी इन्हेलर अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर तो ये सभी एंटी अस्थेमेटिक ड्रग है कि जो स्टेरॉइड क्लास के हैं ड्रग ऑफ चॉइस की हम बात करें अस्थ एंटी अस्थेमेटिक ड्रग्स के अंदर तो एक्यूट अटैक के लिए सालब्यूटामॉल है एक्यूट टैक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो उस वक्त जो सेफ है दैट इज एक्यूट अटैक ड्यूरिंग द लेबर दैट इज ए इप्राट्रोपियम। एक्यूट एपरा इन पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर थेरापी जिनको बीटा ब्लॉकर की थेरापी है और उस वक्त दूसरे मेडिकेशन आप नहीं दे सकते तो उस वक्त इपराट्रोपियम ड्रग ऑफ चॉइस बनेगा

हाइपर सेंसिटिविटी के कारण अस्थमा हुआ है तो उसके एक्यूट अटैक के अंदर साल्बिटामोल और प्रोफाइल एक्सिस के अंदर कॉर्टिकोस्टेरोडम यूज करते हैं तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट एंटीअस्थमेटिक ड्रग्स फार्मारोक्स की जो लेक्चर नोट है पीडीएफ एंड पीपीडीज ऑफ लेक्चर रैपिड रिविजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर आपको मिल जाएंगे कि जो एंड्रॉइड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स गुड लक एंड ऑल द बेस्ट